कल तुमने तेज सिंह के सामने हमें ऐसा डरा दिया, यू नो हमारा हार्ट फेल होते होते रह गया। खैर अच्छा बदला लिया तुमने। ए हैप्पी क्लब, चलो इस बहाने हमारी दोस्ती तो हो गई। वो कब हुई? क्यों नहीं हुई? हो जाएगी, लेकिन मुझे डर लगता है। तुम्हारा क्या भरोसा, कब कौन सा मजाक कर दो। हाँ हाँ वो तो हम ऐसे करते रहते हैं, पर हम सच्ची टेलिंग, अगर हमें तुम्हारी प्रॉब्लम मालूम होती ना तो हम ऐसा कभी नहीं करते। मेरा क्या प्रॉब्लम? यही कि तुम अनाथ हो। ये किसने कहा तुमसे? वो कल रात जब मैं फूल लेके आया तो मैंने सुना मिसेस पिंटो। वो मेरी मम्मी है। We are a family. जिन लोगों ने जन्म दिया मुझे तो उनका चेहरा तक मुझे याद नहीं। I'm sorry. Stammer when I get upset. क्या ब्लड रिलेशन सब कुछ होते हैं? अगर मैं भी इन्हें अपना ना मानू तो मैं कैसे जी पाऊंगी? कहो ना प्रेम। आई एम सॉरी जेनी, मेरा ये मेरा मजाक? नहीं, मैं I hate you. क्या रे? ढाबे पे वो बुलडोजर मिसेस पिंटो आई थी अपने 3 फुट के हस्बैंड को साथ पे लेकर। सबके सामने मेरी ऐसे की तैसी कर दी उसने, सब तेरी वजह से। तू उसे फूल लेके मिलने गया था? नहीं पापा, पागल हो गए हो? मैं उसके लिए फूल लेकर जाऊंगा? मैं तो उसकी बेटी जेनी के लिए फूल लेकर गया था। नालायक बेशरम, तू पाइप पे चढ़ के लड़कियों को पटाने जाता है फूल लेकर। नहीं पापा, मैं जेनी को थैंक यू बोलने के लिए फूल देने गया था। फूल देने गया था? तू ऐसा कैसा थैंक यू बोलता है कि लोग मुझे गालियां देने चले आते हैं? तेरे साथ तो चलने में भी शर्म आती है मुझे। ला ला दे दे मुझे, दिल करता है एक थप्पड़ मार दूं। तो मारिए ना। कहां जा रहे हैं आप? एक गाल में जेनी ने लाफा मारा, दूसरे गाल में आप मारिए। मारने आए क्या? तू चल ना। अब मैंने क्या किया? तुम भी क्या मेरे जैसे स्टैमर? हाँ, जब मैं अपसेट होता हूँ तो कभी-कभी। I'm so sorry. उस दिन मुझे पता नहीं था, मुझे लगा। Come on, आज तुम मुझे स्लैप करो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। Please, एक बार थप्पड़ मारो मुझे, तब मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे कैसे जेनी? नहीं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं फिर नाराज हो जाऊंगी। जेनी तुम कुछ और कहो, मैं कर दूंगा। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस, पर कोई डिफिकल्ट चीज मत देना। तो तुम मुझे खिलाओ मूंग दाल की पकौड़े और पुदीने की चटनी। हाँ हाँ। कम जेनी, वेलकम टू हैप्पी क्लब। कल के लिए सॉरी नहीं, फ्यूचर का वरी नहीं, आज हैप्पी रहने का, ये हमारे हैप्पी क्लब का असूल। क्यों दोस्तों? बिल्कुल। I envy you. Thank you. क्या मतलब था इसका? इसका मतलब है कि नहीं, इसका मतलब काश मैं भी तुम सब जैसी होती। हो गई हो जेनी, अब तुम भी हैप्पी क्लब की मेंबर हो गई हो, वो भी फ्री में। और हम सब एक कलर के हैप्पी कलर, और ये क्लब तुम्हें हमेशा हैप्पी रखेगा। बिल्कुल। थैंक्स, इट्स अ ग्रेट प्लेस। ये क्या है? कुछ तो गड़बड़ है।
गड़बड़ क्या है? मैं ही तो, देखो मेरा फेस। हाँ लेकिन बॉडी तो सलमान खान की है। नहीं नहीं मेरी है, यही तो ली थी। प्रेम मैं सलमान की फैन हूँ, उसकी कई फोटोज है मेरे पास, शायद ये वाली भी है। ये वाली मेरी है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। क्या है ना, सलमान और मेरी बॉडी सेम सेम है, मैंने ही तो ट्रेन किया था उसे। वो क्या है ना जेनी, 2 महीने पहले मुझे डबल फ्लू हो गया था, ऊपर से जॉन्डिस नीचे से मलेरिया, इसलिए बॉडी थोड़ी स्क्वीज हो गई है। 2-3 महीने में फिर से सल्लू जैसी हो जाएगी। सल्लू, तुम रियली सलमान को जानते हो? जानता हूँ, तुम लोगों के लिए सलमान खान होगा, मेरे लिए सल्लू यार है मेरा। I can't believe it. लो, बिलीव नहीं करती मुझ पे। बड़ी जल्दी पहचान गई तुझे। हमें तो बरसों लग गए। चुप है, मजाक कर रहे साले। प्रेम मुझे एक बार सलमान से मिला दो। मिलवाना क्या जेनी, घर ले चलूंगा। कमा है दोस्त आई है मेरी जेनी, चल बिरयानी खिला साले। That would be the best day of my life. अच्छा जरा फोन लगा सल्लू को, अभी बात करा देता हूँ। रहने दे यार, शूटिंग में बिजी होगा। इतनी सारी किताबें, यहाँ जोर से बोलना अलाउड नहीं है। इतनी सारी किताबें, कोई पढ़ता भी है इन्हें? पढ़ने के लिए तो लिखी गई हैं। ये पढ़ के क्या करेगा? तुम यहाँ कैसे आए? वो एक्चुअली मैं एक जरूरी काम से यहाँ से गुजर रहा था, तो सोचा तुमसे मिलता जाऊं। अब जेनी तुम यहाँ काम कैसे करती हो, दम नहीं घुटता तुम्हारे यहाँ? इनफैक्ट मुझे यहाँ अच्छा लगता है, आई फील सेफ। यहाँ की हर किताब मेरी दोस्त है। दोस्त? हाँ, किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, हमेशा साथ देती हैं, ना ये डिमांड करती है ना कंप्लेंट, बस साथ देती हैं। मेरे जैसे? अच्छा तुम भी मेरा साथ दोगे? हमेशा जेनी, नो कंप्लेंट्स नो डिमांड्स। You're mad. Thank you. You're funny. Thank you, Jenny. क्या हुआ? अरे सलमान खान आया, सलमान खान। सलमान? शूटिंग के लिए आया, शूटिंग के लिए। भोलेनाथ, ये कैसे टपक गया? प्रेम, तुम्हारा दोस्त है सलमान। प्रेम। आओ ना प्रेम। आ गया जेनी। प्लीज मुझे मिलवाओ ना उसे, प्लीज। हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर। तो चलो ना, चलो। अरे जेनी भीड़ में कहाँ मिलोगी, घर चलेंगे ना उसके, चलो। पता नहीं कब चांस मिलेगा, अभी तो यहाँ है, बुलाओ ना उसको, बुलाओ। अच्छा सलू सलू सलू, तुम सब यहाँ रुको, मैं अभी आया। आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। सल्लू किसने बुलाया मुझे? आपकी दोस्त ने। दोस्त? जरा चेहरा तो देखूं दोस्त का। ये तोबड़े का डिजाइन तो पहली बार देखा हूँ। हे बस क्या सल्लू, एक बार घर नहीं आया और इतना नाराज। ओए, तू घर कभी आया रे? अरे नाराज क्यों रहा है सल्लू, अगली बार घर आऊंगा ना बिरयानी खाने। अबे घर तो क्या, तू कभी रास्ते में भी दिखाई दिया ना तो चेहरे का डिजाइन बदल दूंगा। देखा हमारी यारी दोस्ती, तू जा जेनी, ऑर्डर कर बुकला, जल्दी जा। okay. ये चलता रहेगा। सलमान भाई सॉरी, क्या है ना जेनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जेनी को आप अच्छे लगते हैं, फैन है आपकी, इसलिए उसे इंप्रेस करने में छोटा सा झूठ बोला। क्या मेरे फ्रेंड है? और क्या क्या बोला तू? यही कि मैंने आपको बॉडी बिल्डिंग सिखाई है। प्रेम टाइमर से लूज हो गए सल्लू, क्या कर रहा है, मेरे जैसे नहीं रहा क्या तू? वो नहीं करा जो मैंने सिखाया था? हाँ वो भी करूंगा, वो भी करूंगा, अपनी दोस्त को मुझसे नहीं मिलाएगा। जेनी सलमान खान, अबे तू ऐसे डर डर के मिला रहा है जैसे कि तू मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी बता रहा है। देखा ये भी मेरी तरह मैडर फनी है। जेनिफर, ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं, इसे खोना नहीं। ये और सुन, कभी बिरयानी खाने आया कर घर पे, हुँ? और जेनी को भी साथ लाना, चलता हूँ। तुम बहुत
हो। आई लाइक यू।